मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, सीनियर कंसल्टेंट एंड ऑर्थोपेडिशियन। दोस्तों मैं इस चैनल फोटोकार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं और मैं बातें करता हूं बिजनेस की, बिजनेस के कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की बात करता हूं, कुछ स्ट्रेटजी, कुछ फ्रेमवर्क की बात करता हूं। ऐसा ही एक बिजनेस सॉल्यूशन है फोटोकार्ड नाम से, जो कि एक प्रकार का मार्केट प्लेस ऐप है, जहां पर आप किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं, आप कोई भी जो बिजनेस है आपका वो उसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम कुछ बिजनेस की स्ट्रेटजी की बात करते हैं, बिजनेस के कुछ फ्रेमवर्क की बात करते हैं, और बिजनेस का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो है सेलिंग का पार्ट। आपको पता है कि बिजनेस में जो जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सारे जो डिपार्टमेंट है वो एक खर्चे का डिपार्टमेंट है। एक सेलिंग का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कि पैसा आता है। तो हमारा जो सेल्स का डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही सॉलिड होना चाहिए, वहां पर डील्स क्लोज होना आना चाहिए, वहां की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए जिससे कि रेवेन्यू आए, और पैसे से ही काम चलता है। ब्लड लाइन है, हम एक तरह से कह सकते हैं पैसा जो है वो एक तरह से ब्लड लाइन है, हमारा लाइफ लाइन है हमारे बिजनेस के। तो हमको आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कैसे हम हमारी सेल्स टीम को हाई परफॉर्मेंस वाली टीम बना सकते हैं। उसके लिए उनको पर्याप्त कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो कुछ अपनी टीम के कुछ सेल्स कोचिंग, कुछ उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के कुछ स्किल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये जो टूल्स हैं, ये जो तकनीक है, ये जो मैं बात करूंगा, ये हम अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एक बहुत हाई परफॉर्मेंस टीम उसको बना सकते हैं, उनके प्रदर्शन को बड़ा उच्च स्तर पर हम ला सकते हैं, उनको एक ऐसी सक्षम टीम बना सकते हैं जो आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ करने में वो मदद करेगी। तो मैं बस उन्हीं स्ट्रेटजी के बारे में और वही कोचिंग स्ट्रेटजी के बारे में आज बात करने वाला हूं। तो चलता हूं मैं अपने प्रेजेंटेशन पर और हम बात करते हैं कि कैसे जो है आपको ये मदद करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो दोस्तों ये है अपना आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेल्स कोचिंग स्ट्रेटजी का, कैसे हम अपने सेल्स कोचिंग स्ट्रेटजी से अपनी टीम का रेवेन्यू और अपने बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये पांच पॉइंट में हमने इस एजेंडे को पूरे को इसको ब्रेकअप किया। तो पांच एजेंडे कौन कौन से है, सबसे पहला है ब्रेक योर सेल्स प्रोसेस डाउन इनटू स्किल्स। आपकी जितनी भी सेल्स प्रोसेस है, जिसमें कि आपका क्लोजिंग लीड्स होता है, आपका प्रेजेंटेशन होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है, ये सारा जो सेल्स का प्रोसेस होता है, ये सारे सेल्स के प्रोसेस को हम स्किल्स में, ये पर्टिकुलर जो 7 स्किल्स है उन स्किल्स पर हम उनको डिवाइड करेंगे, एंड देन एक एक स्किल्स पर हमें वर्क करना पड़ेगा। देन हमको देखना पड़ेगा कि आपका जो टॉप परफॉर्मेंस जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें क्या ऐसी स्किल है जो उसको टॉप परफॉर्मर बना रही है। वो प्रेजेंटेशन में अच्छा है, वो कम्युनिकेशन में अच्छा है, डील्स को क्लोज करने में अच्छा है, नेगोशिएशन में अच्छा है, आपको वो समझना होगा। अब आपको देखना होगा कि देखिए सारी स्किल्स, एक सेल्स की जो प्रोसेस है उसमें जो जितनी भी स्किल्स है सारी स्किल्स काम आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि आप एक स्किल्स को ही डेवलप करके और आप अपने लीड्स को क्लोज करा सकते हैं, वो तो पॉसिबल है नहीं ना। तो आपको प्रोस्पेक्ट को, आपको कस्टमर बनाना है, उसके लिए जरूरी है कि सारी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, लेकिन आपको पहले देखना होगा कि आपका जो टॉप परफॉर्मिंग जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी कौन सी ऐसी स्किल है जिसको टॉप परफॉर्मर बना रही है, वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। अब आपको उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो और स्किल्स है जिसमें वो वीक है, उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है ना। देन क्या होगा, जब आपने अपने उस टॉप परफॉर्मर को आपने उसको ट्रेन कर दिया और सारी स्किल्स उसको आपने सिखा दी, देन जो आता है आपका नेक्स्ट जो आपका जॉब है वो है आपका टर्न योर मोस्ट टैलेंटेड रिप्रेजेंटेटिव इनटू कोच। अब आप उसको कोच बना दीजिए, आपने उसको ट्रेन किया ना, आप उसको कोच बना दीजिए। अब वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई एंड कोच इंपॉर्टेंट सेल्स स्किल्स, उसको आप इंपॉर्टेंट जो है सेल्स स्किल जो है उसको आप कोच करिए। देन उस जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव जिसने की आप जिसको कि आपने ट्रेन किया है, वो आप दूसरों को सेम जो है वो प्रोसेस जो है वो ट्रांसफर करेगा, यानी कि वो पूरी टीम को जो है इस तरह से वो कोच करेगा। जैसे आपने उसको कोच किया, वो फिर पूरी टीम को वो कोच करेगा। तो इस एजेंडे के तहत हम काम करेंगे। तो देखिए पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पूरी जो टीम है आपकी वो कितना रेवेन्यू आपका जो है वो आ रहा है उससे, और उसमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो कौन सा आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेके आ रहा है, ये ठीक है ना। देन अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है और लीड भी जनरेट कर रहा है, वो कौन सा है ना। आप समझ रहे, प्रोस्पेक्टिंग करना और लीड जनरेट करना, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपका पोटेंशियल कस्टमर के पास वो जा रहा है, ठीक है ना, और वहां पर उनके लीड को कन्वर्जन भी कर रहा है, तो आपको उसको पहचानना होगा। अब हमको, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, कि आपको अपनी सेल्स टीम को कोच करना है
उनको स्किल्स को इम्प्रूव कराना सिखाना है और इसके द्वारा हम उनको बेस्ट परफॉर्मर बनाना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमने अभी जो एजेंडे पर बात की उस एजेंडे को हम दोबारा अब यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला था हमारा ब्रेक योर सेल्स प्रोसेस डाउन इनटू स्किल्स। पहले आप स्किल्स पर इसको ब्रेक डाउन करिए, कौन कौन सी स्किल्स होंगी आपके, कंपेटिबिलिटी है ना, क्वालिफाई कंपेटिबिलिटी, एनालाइज प्रोस्पेक्ट्स नीड, प्रोस्पेक्ट्स की नीड को पहचानना, देन पिच योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना, देन प्रपोजल को डिलीवर करना, जो आप ऑफर और जो प्रपोजल आप दे रहे हैं, देन नेगोशिएट करना है ना, देन क्लोज द सील, लीड, लीड को क्लोज करना, और उसके बाद में क्या आएगा, मेक कॉन्टेक्ट एंड बिल्ड सपोर्ट, मतलब उसको बाद में आपको एक सपोर्ट बनाना है और आफ्टर सेल्स उसको सर्विस देनी है। ये एक जो कि इसके कारण वो उसका रिपीट कस्टमर बने, आपका रेफरल कस्टमर बने आपका। तो ये 7 प्रोसेस है जिसके द्वारा आप वर्क करते हैं, ये स्किल्स है, ये प्रोसेस की स्किल्स है जिसके द्वारा आपको वर्क करना है। देन आपने स्किल्स में इसको डिवाइड कर लिया, नाउ आप देखिए कि आपका जो एग्जीक्यूटिव है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी कौन कौन सी वीकनेस है, कौन कौन से, जो मैं अभी बताए थे ना आपको, ये 7 प्रोसेस बताए थे जिसमें आपको रेपोर्ट बनाना है, रिलेशन बनाना है, देन कंपेटिबिलिटी आपको क्वालिफाई करनी है, फिर कि भाई वो जो प्रोस्पेक्ट जिसके पास आप जा रहे हैं वो प्रोस्पेक्ट एक्चुअल में आपका प्रोस्पेक्ट है या नहीं है, वो एक्चुअल में आपका कस्टमर कन्वर्ट हो सकता है निकल सकता है, तो आपको वो पोटेंशियल वहां पर ढूंढना होगा, देन उसका प्रोस्पेक्ट की नीड को आपको ढूंढना होगा, फिर उसका ये सारा मैंने बताया ना। तो ये जो 7 स्किल्स है उस स्किल्स में अपन को देखना है कि कौन सी, तो कौन सा स्किल है जो कि वीक है, कौन सी स्किल है जिसमें कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको पहचानना है हमें। तो हमें वर्क किस पर करना है, हमें उसके वीकनेस पर वर्क करना है, उसको इम्प्रूव करना है, और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसमें कुछ और हम परफॉर्मेंस उसकी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें उस पर और क्या वर्क कर सकते हैं वो देखना होगा, लेकिन वीकनेस पर तो डेफिनेटली हमको वर्क करना है और वीकनेस को हमें इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका जो टॉप परफॉर्मिंग जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें, ईच स्किल पर, मतलब एक स्किल पर सबसे टॉप परफॉर्मिंग कौन सा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। समझ नहीं समझ मेरी बात भाई, जो एक स्किल में जो मास्टर है उसको आइडेंटिफाई करना है आपको, तो आपको पता लगेगा कि आपके जो एग्जीक्यूटिव है उसमें एक जना जो है वो नेगोशिएशन में ज्यादा मास्टर है, एक जना जो है वो डील को क्लोज करने में मास्टर है, एक जना जो रेपर्ट और एक रिलेशनशिप बनाने में और एक कनेक्शन बनाने में माहिर है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप जैसे आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ईच स्किल के अकॉर्डिंग आपने टॉप परफॉर्मर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको आप ग्रेडिंग दो, आप स्किल दो उसको 1 to 10 की क्या नंबर उसका आता है, देन आपको उसके जो डाटा है उसका हिस्टोरिकल जो सेल्स डाटा है, उस सेल्स डाटा को आप लीजिए, उसमें कितनी नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, उसने कितने नेगोशिएशन किए, कितनी कॉल्स की, कितनी डील्स उसने क्लोज की, सारा उसको आपको, उससे आप अकॉर्डिंग आप उसको स्केल कर सकते हैं। फिर आप उसका फीडबैक लीजिए, उसका खुद का फीडबैक, और दूसरे जो टीम मेंबर्स है ना उससे भी उसका फीडबैक लीजिए, परफॉर्मेंस वाइज उसका फीडबैक लीजिए। देन अब उसका जो है सेल्फ इवेल्युएटेड जो स्कोर्स है ये, उसके द्वारा और आपने जो स्कोर बनाया है उन दोनों का आप कंपेयर करिए, उसने अपने आपको कितना नंबर दिया, अपने आपको कितना नंबर दिया, तो ये किससे होगा, आपको उसके खुद के फीडबैक से होगा, ठीक है ना। अब ये इस तरह से आप लिस्ट करिए, फिर टॉप परफॉर्मिंग आपको कौन सा हो गया, 1, 2, 3, इस तरह से आप जो सेल्स टीम माना गया आपके 5 है उसको आप नंबर कर दिए, ये मेरा टॉप परफॉर्मर है, ठीक है ना। अब आपको कोचिंग किसको करनी है, अब देखिए आप बजाय 5 को कोच करने के आप सबसे पहले उस टॉप परफॉर्मर को कोच करिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपके जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का जो ROI है ना वो आपका सबसे कम हो जाएगा और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा आपको, है ना, क्योंकि आपको एक जने को कोच करना पड़ा, फिर वो एक जना जो है उसको वो क्लोन करेगा, वो औरों को वो ट्रेन करेगा। तो अब क्या हुआ, आपका जो मोस्ट टैलेंटेड जो एग्जीक्यूटिव है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको आपको कोच बनाना है, यानी उसको आपको सिखाना है कि वो कोच बन जाए, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले टॉप रैंकिंग एग्जीक्यूटिव को आपको बुलाना है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको डिस्कस करना है, उसको कोच करना है, जिससे कि वो दूसरों को कोच कर सके। ये अब आपको करना है कि उनको बताना है कि कैसे वो अपनी वीकनेस को यूटिलाइज करके और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो आइडेंटिफाई करें भाई क्या वीकनेस है उनकी, कौन कौन सी स्किल्स में उसकी वीकनेस है, फिर उसको इम्प्रूव करें, और कैसे उनको वो टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे वो टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं पर्टिकुलर स्किल्स में, और फिर उस तरह इस तरह से प्लान करके ऑर्गेनाइज करके पूरा डे को, और इस तरह से हम उसको चैंपियन बना सकते हैं, वी कैन मेक देम चैंपियन। ये हमको करना पड़ेगा, यानी कि टॉप परफॉर्मर की पर्टिकुलर स्किल्स पर वर्क करके, उसकी वीकनेस पर वर्क करके, और हम उसको टॉप परफॉर्मर और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसको कोच कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लीडर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा एक चैंपियन हम उसको बना सकते हैं। अब क्या होगा, अपने इंपॉर्टेंट सेल्स स्किल को पहचाना,
ठीक है, उसको आपने उसका गोल, उसका ऑप्शन, उसकी रियलिटी, और वो उसको कोच किया और उसको ये रियलाइज किया कि आप इसको स्किल्स को इम्प्रूव करके और आप अपने आप को और बेटर परफॉर्मर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखिए ये मैंने जो बताया ना आपको, जो स्किल्स है वो स्किल्स आपने पहचान लिए है ना, प्रोस्पेक्टिंग, बिल्डिंग रैपर्ट, क्वालिफाइंग, नेगोशिएशन, प्रिपेयरिंग फॉर सेल्स मीटिंग, पर्सुएसिव सेल्स नेगोशिएशन, क्लोजिंग, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन, टेरिटरी मैनेजमेंट एंड टाइमली रिलीवेंट फॉलोअप, ये 8 स्किल्स है। इन स्किल्स पर आपको और वर्क कराना है, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, आपने इस स्किल्स पर वर्क किया, उसको आपने टॉप परफॉर्मर बना दिया, स्किल्स पर उसकी मास्टरी कर दी, अब आपको क्लोन करना है, यानी कि उस एग्जीक्यूटिव को पूरी टीम जो है वो उस तरह की बन जाए, ये आपको कराना है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा कि आप ग्रुप ट्रेनिंग रखिए, और ग्रुप ट्रेनिंग में जो आपने जिसको आपने टॉप परफॉर्मर बनाया, जिसको आपने मास्टर बनाया, चैंपियन बनाया, उससे उसको कहिए कि वो क्लास ले, वो कोचिंग कराए आप दूसरे टीम मेंबर्स को, है ना, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कराइए स्किल्स का, ये लाइव डेमो बहुत जरूरी है। सिचुएशनल एक्सरसाइज कराइए, भाई ऐसी सिचुएशन होगी उसमें क्या करेंगे, ऐसी होगी तो उसमें क्या करेंगे, और पेयर पेयर बना के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करिए पेयर बना के, ये एक उसमें प्रोस्पेक्ट बनेगा, दूसरा उसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव बनेगा, देन वो जो है एक दूसरे को और सेलिंग स्किल्स के द्वारा, और वो एक दूसरे को इस तरह से व्यवहार करेंगे कि जैसे कि वो प्रैक्टिकली जो है फील्ड में और डील्स क्लोज कर रहे हैं। तो ये आपको करना होगा। देन तो वीकली ट्रेनिंग सेशन, ये बहुत जरूरी है, और उस रिप्रेजेंटेटिव की जो वीकनेस है उसको आप आइडेंटिफाई करवाएं इस तरीके से, और उसको मेंटरिंग आपको करनी है, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग मटेरियल आप प्रोवाइड करें, अपडेट करें, जिससे कि टाइमली जो है वो और ये टीम जो है वो आपकी रेगुलर अपडेट होती रहे। तो इससे क्या होगा, पूरी टीम जो है वो आपकी डील्स क्लोज कर पाएगी, सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी टीम की, और ये एक हेल्दी जो कल्चर जो है वो आपकी टीम, जो टीम और आपकी कंपनी में डेवलप होगा, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और एक टीम जो भावना होती है, एक टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप होगी। तो ये एक बहुत जरूरी एक वो है, किसी भी कंपनी, किसी बिजनेस का ये बहुत जरूरी एक स्ट्रेटजी है जिसे हमें अपनाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बात, अगर आपको ये वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें जरूर शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, और उनको आप शेयर करें जिन्हें जो बिजनेस करते हैं किसी प्रकार का, वो सेल्स का जॉब करते हैं, उनको ये डेफिनेटली ये जो वीडियो उनको और हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। बाकी आप इसी तरह मेरे से जुड़े हैं, मेरा फोटो कार्ड जो बिजनेस की मैं बात करता हूँ, ये फोटो कार्ड बिजनेस है, ये एक प्रकार का मार्केट प्लेस ऐप है जहाँ पर कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं या किसी प्रकार का आप होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जरूर आप इससे जुड़ सकते हैं, और एज ए बायर आप इससे जरूर जुड़े, क्योंकि अब इसमें काफी प्रोडक्ट इसमें लिस्ट हो चुके हैं, आपको घर बैठे आपको प्रोडक्ट डिलीवर होंगे, घर बैठे आपको सर्विसेज मिलेगी, ये सारा कुछ जो है इसमें पॉसिबल है। तो जब भी इसका जो है इसका टैगलाइन भी यही है, ऑनलाइन सेलिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी और कुछ भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये थी दोस्तों बातें, और बाकी आप इसी तरह मेरे जुड़े रहे। थैंक यू, जय हिंद।